तीन माह में शिक्षा पर 750 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी सरकार। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बजट की कार्य योजना बनाई। अब देखने वाली बात होगी क्या अनुशिक्षक शिक्षा मित्रों को मिलेगा समान कार्य समान वेतन इस योजना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुशिक्षक न्यूज़। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल एंड न्यूज़ में। साथियों, आज की बड़ी खबर है लखनऊ से। प्रदेश में शिक्षा को हर किसी के लिए सुलभ बनाने के साथ साथ इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए, इसे रोजगार से जोड़ने के लिए प्रयासरत राज्य सरकार ने अगले तीन माह में बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर 750 करोड़ से ज़्यादा के बजट का खर्च करने की कार्य योजना बनाई है। ये राशि इन तीनों ही विभागों में पहले से जारी है या नई योजनाओं पर खर्च की जाएगी। इसमें कई योजनाएं केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं, जिन पर केंद्र सरकार द्वारा बजट की किश्त जारी होने और प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद व्यय किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने तमाम योजनाओं पर 121 करोड़ रुपए के बजट व्यय की कार्य योजना बनाई है, तो उच्च शिक्षा विभाग ने 20 करोड़ से अधिक राशि के खर्च को कार्य योजना बनाई है। वहीं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 600 करोड़ से ज़्यादा के बजट की प्राप्ति के आधार पर व्यय का अनुमान जताया है। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने के साथ ही एक बार फिर सभी विभागों को तीन माह की कार्य योजना पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने 121 करोड़ से अधिक बजट के व्यय की कार्य योजना प्रस्तुत की। बेसिक शिक्षा विभाग को पीएम श्री योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार ने 510 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त होना है। विभाग ने शुरुआती तीन माह में इस योजना के अंतर्गत 6.10 करोड़ की धनराशि व्यय करने की कार्य योजना बनाई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के तहत देश भर के लगभग 14,500 सरकारी स्कूलों को अपग्रेड करने की योजना है। अब देखना है कि इस बड़ी योजना में, इस बड़े बजट में अनुदेशक शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा। क्या उनको मिल पाएगा समान कार्य समान वेतन नए सत्र से? क्या होंगे वो नियमित? ये एक बड़ा सवाल है, अभी भी पहेली बना हुआ है। ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।